रीवा जिला प्राकृतिक सौंदर्य तथा ऐतिहासिक स्थलों से भरपूर जिला है। जिले के चचाई प्रपात, बहुती प्रपात, क्योटी प्रपात तथा पूर्वा प्रपात पर्यटकों के पसंदीदा पर्यटन स्थल है। देउर कोठार के बौद्ध स्मारक, भैरव बाबा, महामृत्युंजय मंदिर, वेंकट भवन तथा देव तालाब शिव मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थल भी पर्यटन का केंद्र है। रीवा के समीप स्थित महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। यहां तक कि रीवा सीधी मार्ग में मोहनिया घाटी में बनाई गई टनल में भी छुट्टियों में बड़ी संख्या में लोग घूमने जाते हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले की पर्यटन संभावनाओं के संबंध में बताया कि रीवा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। व्हाइट टाइगर सफारी आने वाले पर्यटकों को गोविंदगढ़ तालाब तक भ्रमण कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए गोविंदगढ़ तालाब में पर्यटन की सुविधा विकसित की जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि गोविंदगढ़ तालाब रमणीय झील है। इसके पास में कैमूर पहाड़ियां हैं। तालाब के किनारे ऐतिहासिक गोविंदगढ़ किला है। महाराजा मार्तंड सिंह ने दुनिया के प्रथम सफेद बाघ मोहन को इसी गोविंदगढ़ किले में रखा था। सफेद बाघों की मोहन द्वारा वंश वृद्धि गोविंदगढ़ किले में ही की गई थी। इसीलिए व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद बाघ देखने के लिए आने वाले पर्यटक सफेद बाघों की जन्मस्थली अवश्य देखना चाहेंगे। इसके साथ साथ गोविंदगढ़ तालाब में नौकाएं और वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। गत दिवस तालाब का निरीक्षण करके इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। विंध्य के गौरव तथा एक जिला एक उत्पाद योजना में चयनित सुंदरजा आम के वृक्ष भी गोविंदगढ़ तालाब के किनारे ही मुख्य रूप से स्थित है। तालाब के मध्य में स्थित टापू में मछली पालन विभाग द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस को भी सजाया सवारा जाएगा। गोविंदगढ़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के बराबर अभी इसकी स्थिति बड़ी यहाँ पर बहुत गंदगी तो अभी यहाँ पर सर क्या हुआ है कि एक प्रपोजल यहाँ पास हुआ है जिसमें पूरा का पूरा शब्द पेवर वेवर लगा के थोड़ा अच्छा वॉक पाई कर रहा और इसको थोड़ा सा टूरिज्म के पर्पज से प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आगे कहाँ तक है? ये आगे घूम गए, ये आइलैंड है। ये अगर पुल टूट जाए तो यहाँ अंदर घूमने की जगह नहीं है। पहले यहाँ पोर्ट था, दोनों ये दिख रहे हैं आपको, टूट जाता था। सर आपके लिए इतनी ज्यादा तैयारी करवाई सर आपके लिए बहुत समय से तैयारी है, मेरे को ला के दिखाया है इन्होंने। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, कितने हेक्टेयर में है, कितना तो देखिए ना सर एक सेपरेट आइलैंड है मुकुंदपुर में। अच्छी बात क्या, रुकने को रेस्टोरेंट भी नहीं है बनेगा भी नहीं, रुकेगा नहीं इसलिए ना, क्योंकि हमेशा आप ड्राइव करते हैं।